अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो क्या हाल चाल आप सबके। तो गाइस काफी दिन हो गए हमने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर कुछ शैतानी, कोई माइंडलेस चीज, कोई क्रेजी सी चीज नहीं ट्राई की। तो चला फिर आज की इस वीडियो के अंदर कुछ शैतानी ट्राई करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एलिफेंट टूथपेस्ट। तो चलो फिर आप लोगों का टाइम बगैर वेस्ट किए अपनी वीडियो को करते हैं शुरू, मगर उसके लिए मुझे कुछ चीजों की जरूरत होगी, तो जल्दी से मैं उन सारी की सारी चीजों को ले आता हूँ। अभी तक आप लोग इधर ही हो, जल्दी से आप लोग जब इंट्रो देखो मैं तब तक सारी चीजों को असेंबल करता हूं और उसके बाद हम अपने एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं। सो गाइस अब हम अपने इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो सबसे पहले मैं इस बोतल का यूज करूंगा जिसके अंदर मैं अपना सारे का सारा जो सोल्यूशन है वो रेडी करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहां पर यूज में लूंगा इसका, ये है हमारे पास पोटेशियम पर मैग्नेट, ठीक है। तो इसको सबसे पहले मैं इस बोतल के अंदर डाल लूंगा। सो गाइस इतना बहुत है, यहाँ पर हमने जो अपना पोटेशियम पर मैग्नेट इसमें ऐड कर लिया। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर लूंगा थोड़ा सा पानी, जो सिंपल हम घर में पानी वगैरह यूज करते हैं वो थोड़ा सा पानी इसके अंदर मैं डालते ही इसका जो है सॉल्यूशन बना लूंगा। पहले तो कुछ इस तरीके से इसका मैं थोड़ा सा यहाँ पर रख के डालता हूँ। बस गाइस इसको मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर यूज करूंगा लिक्विड सोप का, डिश वॉश वगैरह का। यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जो है लेमन मैक्स है, आप इसकी जगह पे विम जेल किसी भी चीज का हम यूज कर सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पे लेमन मैक्स का यूज करूंगा। अब इसको मैं इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर दूंगा। अब गाइस इसको भी मैं इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लूंगा। Then guys, अब जो है अपना सॉल्यूशन रेडी है, अब दे रहा था इसके अंदर ये डालने की, ये है हमारे पास हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जैसे मैं इसके अंदर इसको डालता जाऊंगा तो अपनी जो एलिफेंट टूथपेस्ट है वो बहुत ही कमाल के तरीके से बनके रेडी हो जाएगी। तो हमें एक ही बोतल चाहिए तो सिंपल मैं इसको यूज कर लेता हूँ और मैं माइक को अपना उतार के साइड में कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो है काफी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इसमें हीट जो है वो भी बाहर रिलीज होगी। तो मैंने इसीलिए ग्लासेस वगैरह भी लगा रखी हैं ताकि मेरी आंखों वगैरह में ये चीज ना गिरे। और इस तरीके से तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए अब मैं इसके अंदर डालूंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और उसके बाद अपना जो रिएक्शन है वो देखने लायक होगा। चलो कर लेता हूँ यहाँ पर कैमरे में। सो गाइस मैं थोड़ा साइड में रहता हूँ। 3, 2, 1 एंड तो गाइज उम्मीद करता हूँ आपको हमारा ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट जो है बहुत पसंद आया होगा। वैसे तो गाइज मैं इस एक्सपेरिमेंट को थोड़े से बड़े लेवल पे करना चाहता था, जिसको मैंने रात में ट्राई किया, मगर वो जो एक्सपेरिमेंट मैं अकेला ही कर रहा था तो जिसकी वजह से क्या होगा वो एक्सपेरिमेंट मुझसे फेल हो गया, क्योंकि हर तरफ ध्यान रखना था कैमराज वगैरह में भी और जो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसमें सारा एक्सपेरिमेंट में हर तरफ ध्यान रखना था। तो वो जो एक्सपेरिमेंट था रात में जो मैंने ट्राई किया इसी तरह की मैंने 2 बोतलें लगाई थी उनके साथ, बट वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। अभी शायद उसका मेरे पास क्लिप पड़ा हुआ हो तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। तो
उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ताकि इस तरह की मजेदार वीडियोस आप तक भी पहुंचती रहे। तो गाइस टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह थोड़े टाइम तक इस वीडियो को और भी बड़े लेवल्स के ऊपर ट्राई करेंगे, और भी बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट्स आने वाले इस चैनल पे। तो सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पे कर लो ताकि इस तरह की मजेदार वीडियोस आप तक भी पहुंचती रहे। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल और खुदा हाफिज़।